नमस्कार। आज हम कक्षा दसवीं के अध्याय पांच राजयाना सोरठा का अध्ययन करेंगे। इसमें कवि कृपाराम खिड़िया अपने सोरठों के माध्यम से नीतिगत बातें बताते हुए लिखते हैं। इस सोरठे में बताया कि इन ही सुन अवधात कहने सोच विचार कर बेमोसरी बात रूढ़ी लगे ने राजिया। द्वितीय स्वर पे कहा है पहली किया उपाव दव दुश्मन आमे दटे प्रचंड हुआ विश्वाव रोबा गाले राजिया। इन दोनों स्वर्णों की व्याख्या से पूर्व शब्दार्थ लिखते हैं इन ही यानी इसी से या इनसे अवदात 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 का मतलब जैसे अच्छी कह सकते हैं, भलाई की बात कह सकते हैं या हितकारी कह सकते हैं। तो अवदात का अर्थ होता है अच्छी या हितकारी। कहनी कहनी का मतलब कहना। कहना सोच विचार कर यानी चिंतन करके बे मोसर का अर्थ होता है बिना अवसर या असमय बिना उचित समय में की गई बात। रूढ़ी का अर्थ होता है अच्छी ने लगे लगना या लगती है, इसका शब्दार्थ लिखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे पद है पहली किया उपाव का अर्थ है उपाय करना, निष्ठान प्रबंध करना। दव दुश्मन आमे डटे दव का मतलब होता है जैसे दावा नल यानी कि आग। दुश्मन का अर्थ होता है शत्रु। आमे का अर्थ होता है रोग प्रचंड का अर्थ होता है तेज या बलवान। हुआ विश्वाव का अर्थ होता है संकट। रोबा गाले राजिया रोबा का अर्थ होता है कष्ट या दुख, कष्ट या दुख। और गाले यानी डालना राजिया यानी राजा को संबोधित करते हुए कवि कृपाराम लिखते हैं। अब इसकी संदर्भ में प्रश्न प्रस्तुत तो सोरठे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित राजयाना सोरठा शीर्षक से उद्धृत है। इसमें कवि ने सोच विचार करके बोलने तथा दूसरे में अग्नि
दुश्मन और रोग का समय से पहले ही निदान करने की प्रेरणा दी है। व्याख्या में लिखेंगे, इसमें लिखता है कवि कृपाराम, कहते हैं कि हे राजिया, बात चाहे कितनी अच्छी हो, चाहे कितनी हितकारी क्यों न हो, मगर सोच विचार कर ही कहनी चाहिए। चाहे दूसरों की भलाई की बात ही क्यों न हो, लेकिन वो भी सोच विचार कर कहनी चाहिए, क्योंकि बेमौसर की बात रूढ़ी ने लागे राजिया, क्योंकि बिना अवसर के या बिना समय आने पर कही गई अच्छी बातें भी क्यों न हो, चाहे हितकारी बातें भी क्यों न हो, लेकिन वो लोगों को अच्छी नहीं लगती है। इसलिए हमें समय आने पर ही तथा सोच विचार कर ही कोई बात कहनी चाहिए। तो इस प्रकार इसमें सोच विचार कर बात कहने का महत्व बताया है। द्वितीय सोल्टे में कवि कहता है कि पहले किया उपाव दव दुश्मन आमे डटे, प्रचंड हुआ विश्वाव रोगा गले राजिया। कृपाराम कहते हैं कि हे राजिया, जीवन में अग्नि, शत्रु तथा रोग, इन तीनों प्रकार के अवयवों का समय से पूर्व ही हमें निदान कर लेना चाहिए, इन्हें रोक लेना चाहिए, क्योंकि प्रचंड हुआ विश्वाव रोगा गले राजिया, ये तीनों ही प्रकार के अवयव यदि अत्यधिक तेज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो बढ़ने पर ये हमें कष्ट में डाल देते हैं। तो इन संकटों का समय रहते ही उपाय कर लेना उपयुक्त रहता है। यदि जैसे देखो कि दव यानी अग्नि, अग्नि अगर तेज बढ़ जाती है और फैल जाती है तो उस पर काबू पाना संभव नहीं होता, समय रहते ही उस पर काबू कर लेना चाहिए। दुश्मन शत्रु, अगर व्यक्ति के शत्रु अधिक बढ़ जाते हैं तो भी जीवन के लिए घातक है। और आमे, आमे का मतलब होता है रोग, अगर बीमारी कोई सी भी हो शरीर में फैल जाती है तब उसका निदान असंभव होता है। इसलिए इन तीनों प्रकार के संकटों को तो प्रकट होते ही हमें उनका निदान कर लेना चाहिए, पहले से उनका उपाय कर लेना चाहिए। अब विशेष विशेष हम कह सकते हैं कि भाषा सहज व सरल है तथा राजस्थानी मिश्रित लिंगल भाषा का प्रयोग है। साथ ही इनमें कवि ने कई अनुप्रास, कई जगह अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया है, जैसे दव दुश्मन वर्ण की आवृत्ति हुई है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अनुप्रास अलंकार भी है। और अब है गृह कार्य, गृह कार्य में आपको उपयुक्त शोर्णों की सह प्रश्न व्याख्या करनी है, इसके पश्चात दो तीन प्रश्न हैं उनके भी उत्तर लिखने हैं और इनका पीडीएफ भी आपको प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।